Ayeza, what do you see? I see yellow. What do you see? I see Papa. Mama, what do you see? I see a tree. Mama, Papa, what do you see? I see Ayeza. Ayeza, what do you see? What do you see? I see potato. अब किस तरह से हम प्रिवेंट करेंगे कि बच्चा इस सिचुएशन में ही ना आए, कि हम कोशिश करें कि एटलीस्ट हम 90% अपना दें कि हम बच्चे को इस सिचुएशन से दूर रखें, क्योंकि ऐसी कोई भी सिचुएशन जो बच्चे का एंगर ट्रिगर करे या उसका टेंट्रम ट्रिगर करे वो बच्चे के लिए भी जो है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो ये है कि एक रूटीन स्टैब्लिश करना, एक प्रॉपर रूटीन स्टैब्लिश हो। अब यहाँ पे एक प्रॉपर रूटीन का मतलब ये है कि उसका नैप टाइम, उसका लाइक लंच, उसका ब्रेकफास्ट, उसका स्नैक टाइम, ये सब उसका आप उसका एक पूरा प्रॉपर उसका स्केड्यूल्ड हो। ठीक है, ताकि वो भूखा या प्यासा ना रहे, क्योंकि हमने बात की कि अगर भूखा प्यासा बच्चा होगा तो पॉसिबिलिटी है कि वो उसका जो फ्रस्ट्रेशन है वो टेंट्रम में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका बच्चा जो है वो एक रूटीन फॉलो करे और आप उस रूटीन के साथ स्टिक रहें। दूसरी चीज़ ये जो आपको करनी है वो ये है कि अगर आपकी अगर आउटिंग प्लान है और वो उस टाइम पे प्लान है जब आपको पता है कि ये लंच टाइम है, तो आप अपने साथ लंच प्रिपेयर करके लेके जाएं अपने बच्चे के साथ। या अगर आपका लंच प्लान है बाहर, तो अपने साथ आप बच्चे के लिए कोई स्नैक्स जो बच्चे को पसंद हो खाने में वो अपने साथ लेके जाएं। उसके अलावा कोई टॉय या कोई बुक्स जो हम यूजुअली रखते हैं अपने पर्सेस में वो आप अपने साथ लेके जाएं। ठीक है, और अगर आपको फील हो कि बच्चा भूखा है और अभी स्टिल हमें टाइम लग रहा है शॉपिंग में, तो आप अपने बच्चे को वो जो आप स्नैक्स अपने साथ लेके गए अपने बच्चे को आप दे दें, ताकि उसका टमी सेटिस्फाइड रहे, तो वो कोई भी ऐसे सिचुएशन पे नहीं आएगा। तीसरी चीज़ ये कि जितना ज़्यादा आपका बच्चा वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करेगा, उतना ज़्यादा आपके लिए भी ईजी होगा समझना कि बच्चे को क्या चीज़ चाहिए, और बच्चे के लिए भी उतना अच्छा होगा ताकि वो सिचुएशन पे ना आए। तो आप अपने बच्चे को इनक्रेज करें कि वो जो भी एक्सप्रेस करना चाहता है वो वर्ड्स के थ्रू करे। ठीक है, अब वो कैसे होगा, बच्चा सीखेगा कैसे? तो जब आप अपसेट हों, जब आप इस सिचुएशन में हो, क्योंकि हम भी हो जाते हैं अक्सर, कोई चीज़ हमें अपसेट कर देती है, कोई चीज़ हमें गुस्सा दिला देती है, तो आप अपने बच्चों को बताएं कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है आज, या मैं आज बहुत अपसेट हूँ क्योंकि आज मैं चाहती थी, आज जो है वो मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी, मेरा दुपट्टा जल गया, तो आज मैं बहुत अपसेट हूँ, या मैं बहुत गुस्सा हूँ क्योंकि आज मुझे ना या मैं बहुत अपसेट हूँ क्योंकि आज मेरा चिकन खाने का दिल हो रहा था बट घर पर चिकन नहीं है। इस तरह के आप जब बच्चों के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, उनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने आएंगी। ठीक है, या आप बोल सकते हैं मुझे गुस्सा आ रही है क्योंकि मच्छर मेरे हाथ नहीं लग रहा। ठीक है, तो आप इस तरह, या मैं बहुत डरी हुई हूँ क्योंकि ये मच्छर जो घूम रहा है ना ये मुझे काट लेगा, मुझे बहुत डर लग रहा है इससे। ठीक है, तो आप इस तरह से अपनी फीलिंग्स को जब आप एक्सप्रेस करेंगे, बच्चा ऑटोमेटिकली वो चीज़ सीखेगा। जैसे आयजा जब मुझे लगता है ना कि उसका फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो रहा है, तो मैं उससे बात करने लगती हूँ कि क्या हुआ आपको, आर यू अपसेट? अगर वो बोलती है येस, तो मैं पूछती हूँ वाई आर यू अपसेट, तो कुछ ना कुछ अगर वो एक वर्ड बोलती है, फॉर एग्जाम्पल वो बोलती है आई एम स्केर्ड, तो आई स्टार्ट बिल्डिंग अप के वाई आर यू स्केर्ड, आर यू स्केर्ड ऑफ दिस और आर यू स्केर्ड ऑफ दैट। जो भी वो मुझे बताती है, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं उसको उस सिचुएशन से हटा दूँ, ताकि मैं समझूँ कि वो क्या चाह रही है। ठीक है, अगर वो मुझे कुछ जवाब नहीं देती, तो मेरा पहला सवाल ये होता है आर यू हंग्री, या आर यू थर्स्टी, डू यू वांट टू हैव योर बॉटल मिल्क, या डू यू वांट टू हैव समथिंग टू ईट, डू यू वांट एप्पल, डू यू वांट ऑरेंज। मेरा पहला सवाल ये होता है कि मैं उसे पूछूं कि क्या उसको चाहिए या क्या चीज़ उसको ट्रिगर कर रही है। चौथी चीज़ ये कि आप अपने बच्चों को डिसीजन मेकिंग का मौका दें, लेट देम चूज, लेट देम डिसाइड व्हाट टू डू। अक्सर जब हम उनकी चीज़ें थोपते हैं ना कि नहीं अभी भले बच्चे का दिल नहीं हो रहा बुक पढ़ने का, पर हम बिठाएंगे नहीं आपको ये बुक पढ़नी है, तो बच्चा फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चे को चूज़ करने दें कि वो क्या करना चाहता है। अगर वो बच्चा बोल रहा है कि मुझे अपने ब्लॉक्स के साथ खेलना है, भले वो पूरा दिन खेलता रहे, लेट देम प्ले। अगर वो कह रहा है कि नहीं मुझे पेंटिंग करनी है, उन्हें करने दें। अगर वो कह रहा है नहीं मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे सिर्फ लेटना है, तो लेट देम डू दैट, लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट। व्हेन यू फोर्स समथिंग,
दैट ऑल्सो ट्रिगर्स देम. तो हमें फोर्स, आपको अपने तरफ से कुछ थोपे मत, लेट देम डू. अगर बच्चा बोल रहा है नहीं मुझे नहीं खाना, जबरदस्ती ना खिलाएं कि नहीं अब मैंने खिलाया नहीं तो टेंट्रम स्टार्ट हो जाएगा. नहीं, अगर भूखा है तो खिलाएं, जबरदस्ती कोई चीज़ आप मत करें. पांचवी चीज़ ये कि अच्छे बिहेवियर को अप्रिशिएट करें, उसको प्रेज करें, हग करें, किस करें जब जब आपका बच्चा कोई अच्छी चीज़ करता है. ठीक है, अगर आपके बच्चे ने, अगर आपने कहा कि ना लेट्स डू दिस, लेट्स गो एंड रीड अ बुक, अगर बच्चे ने आपके साथ जाके रीड की बुक, आप उसको अप्रिशिएट करें, उसको प्रेज करें. यू कैन क्लैप, यू कैन गिव अ हग, यू कैन गिव अ किस. अगर कोई ऐसी जैसे अगर आपके, आपने बोला कि अपने खिलौनों को वाइंड अप करें, बच्चे ने वाइंड अप किया, उनको प्रेस करें, उनको उसको उनको हग करें, उनको किस करें, ताकि उसको बच्चे को पता चले कि ओके मेरे इस बिहेवियर पे मेरी मम्मी खुश होती है, मेरे इस बिहेवियर में मम्मी थोड़ी यू नो मुझे हग्स नहीं मिलते, मुझे किसेस नहीं मिलते. और लास्ट चीज़ ये कि आपको कंसिस्टेंट रहना है. अगर आपने एक चीज़ ना कह दी तो ना कह दी. अगर ग्रॉसरी पे आप गए हैं और बच्चे ने जिद की है किसी चीज़ के लिए, एक बार बोला, आपने कहा नहीं हमें ये नहीं लेना है, तो आपने नहीं लेना है, चाहे आपका बच्चा जितना टेंटम शो करे. हम यहाँ के गलत हो जाते हैं कि हम बोलते हैं यार बहुत वो रहा है, सब देखने दे दो दे दो दे दो, तो ये बच्चे की हैबिट आ जाती, खुद बन जाती है कि अगर मैं इस तरह से रिएक्ट करूँगा, अगर मैं ये चीज़ करूँगा, मैं टेंटम शो करूँगा, तो मुझे मेरी चीज़ मिल जाएगी. तो नेक्स्ट वो ये हैबिट बना देता है. तो आपको अपने वर्ड्स पे, अपने एक्शंस पे कंसिस्टेंट रहना है. ठीक है, तो ये चीज़ ये की है. अगर आपने कहा कि नो चिप्स तो नो चिप्स. ठीक है, तो आपको ये चीज़ थोड़ा, हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए हमारे बच्चों के लिए.